23 तारीख को फाइनली साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग की वो तैयारी करेंगे। अभी तक सब कुछ बहुत नॉर्मल गया है, हेल्थ भी नॉर्मल है। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ दुनिया में चल रही है, और वो ब्रेकिंग न्यूज़ दुनिया की ये है कि रशिया का जो फर्स्ट मून मिशन इन 47 ईयर्स एंड्स इन ए क्रैश। डेफिनेटली वहाँ पहले चंद्रयान 3 ही वो पहुँचेगा। और दूसरी बात ये है कि उनकी स्पेसशिप पे जो उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं और किस तरह की उसके अंदर टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। हो सका चंद्रयान 3 अपनी कामयाबी की तरफ रवा दवा है। एक रेस चल रही थी रशिया और इंडिया के बीच, और ये रेस थी कि कौन, ये जो मून मिशन चल रहा है दोनों का, इसमें कौन पहुंचेगा या कौन पहले पहुंचेगा। देखिए चंद्रयान अब अपने लास्ट फेज में है। 20 तारीख को एक लास्ट मैनेवर किया जाएगा, डीप ब्लास्ट करके उसकी स्पीड को कम किया जाएगा। नेबर्स कंट्रीज हैं, इनको अगर ये सक्सेसफुल होते तो हमें ज्यादा खुशी होनी चाहिए, बजाय कि अगर रशिया वगैरह जा रहे हैं हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। इस रेस में अगर हम ये कहें कि इंडिया विन करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि चंद्रयान 3 जो मिशन है वो विन करेगा, इसकी वजह ये है कि रशिया का वो मिशन क्रैश कर चुका है। व्हाट अ स्मॉल फीट जो इन्होंने अचीव किया है कि धरती पे बैठ के इतने लिमिटेड बजट के साथ आप पहले तो रॉकेट भेजे, रॉकेट में से फिर प्रोपल्शन को अलग करें, फिर प्रोपल्शन में से आप जो है लैंडर और प्रोपल्शन दोनों को अलग करें। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज से एक हफ्ते पहले बहुत हाईलाइट बना था कि रशिया का लूना 25 जो कि चंद्रयान के बाद में निकला और चंद्रयान से पहले सक्सेस हो जाएगा, तो इसे चाइना मीडिया, टर्किश मीडिया, पाकिस्तान मीडिया जो ऑफिशियल्स होते हैं उन्होंने जम के चंद्रयान 3 का मजाक उड़ाया कि यार रशिया तो बहुत तेज निकला, चंद्रयान तो उसके सामने कुछ नहीं है। अब जैसे ही लूना 25 चंद्रयान के चंद्रमा के सतह पर पहुंचा वैसे ही क्रैश हो गया। पूरी दुनिया हैरान हो गई कि भाई जो कहीं रशिया इंडिया के चंद्रयान 3 को बीट करने का सपना दे रहा था खुद क्रैश हो गया। देखो रशिया के क्रैश होने से हमें कोई खुशी नहीं मिली, बल्कि रशिया पहले पहुंच जाता तो भी हमारा कोई घाटा नहीं था। हमारा ब्रदर कंट्री, हमारा फ्रेंड कंट्री है रशिया, वो हमारे लिए बेनिफिट होता, खुशी होने की तो बात नहीं है। बट यही है कि पाकिस्तानी माइंडसेट में बता रहा हूं, ये लोग प्रे कर रहे थे कि पहले लूना पहुंच जाए, ठीक है पहले लूना पहुंचा रहे थे, बट हाँ अब लूना अनसक्सेसफुल हो गया। यार खुशी होने की बात नहीं है पहले बता रहा हूं, बट लूना अनसक्सेस हो गया। अब चंद्रयान 3 ही ओनली रेस में, पहले रेस में लूना और चंद्रयान थे, अब सिर्फ चंद्रयान 3 ही रेस में है। और यार जो इंडियन साइंटिस्ट हैं वो यार जानबूझ के, ऐसा मैंने पढ़ा है भाई, आप लोग भी टाइम्स ऑफ इंडिया देख सकते हैं, वो जानबूझ के स्पीड को स्लो कर रहे हैं। अब जब ये बात सामने आई कि जो इंडिया है उसका मून मिशन वहां पर पहुंच रहा है, और फिर अभी एक दिन पहले एक बार फिर चंद्रयान 3 की बहुत ज़्यादा क्लोजअप फोटोज़ जो कि मून की उसने ली वो दोबारा से रिलीज़ की गई। इससे पहले भी जो उसने फर्स्ट अपनी मून फोटोज़ ली थी वो भी रिलीज़ की गई, लेकिन दोबारा से भी जो काफ़ी ज़्यादा क्लोजअप उस फोटोज़ जो हैं वो रिलीज़ की गई। तो उसी दौरान ये खबर भी आ रही थी कि जो रशिया है वो भी इस रेस में शामिल है, और ये जो रेस है ये आप जानते हैं कि साउथ पोल की है, साउथ पोल ऑफ मून, और वहाँ पर अभी तक मिशंस बहुत कम जो हैं वो पहुँचे, यानी वहाँ से वहाँ पे रिसर्च करना, वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना, वहाँ पर पानी के हवाले से रिसर्च, वहाँ की मिट्टी, ये सब करने के लिए जो है जो मून मिशन इस वक्त 2 बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ उस तरफ बढ़ रहे थे उसमें रशिया का ये मिशन अब क्रैश हो चुका है। अच्छा अब इसमें जो अभी तक की फाइंडिंग्स हैं वो ये बता रही हैं कि मून पर ये क्रैश हुआ है उसमें कोई ऐसी टेक्निकल एरर आया है, जो भी उसकी सिचुएशन थी उसमें वो नहीं उस वहाँ पर कामयाब हो सका, नहीं पहुँच सका। इसमें ये कहा गया है कि कम्युनिकेशन विद लूना 25 वाज लॉस्ट एट 2:57 PM ऑन सैटरडे। और फिर इसमें ये बताया गया है कि जो कहा गया था रशिया की तरफ से कि 21 अगस्त को उसका ये मिशन वहाँ पर पहुँचेगा, तो वो तो नहीं पहुँच सका। अब चंद्रयान 3 के जो मिशन की बात है उसने पहुंचना है 23 अगस्त को, यानी वो उससे पहले भी पहुंच सकता है। कहा जा रहा है अगले चंद दिन नहीं बल्कि अगले चंद घंटे, तो हमें पता चलेगा 3 दिन 2 दिन या कितने दिन में और कितने घंटों में वो वहां पर कामयाबी के साथ जो है हम देखेंगे सॉफ्ट लैंडिंग या जो भी उसकी सूरत हाल है। अच्छा अब ये भी बात याद रखिए कि इसमें मैं देख रही थी कि जैसे कि BBC पर तज्जिया हो रहा था तो कहा जा रहा था उसमें कि जैसे पहले रशिया और अमेरिका के बीच ये रेस होती थी और उस वक्त ये बात की जाती थी, बिल्कुल इसी तरीके से क्योंकि चंद्रयान 3 भी अपनी परवाज में है और वहाँ पर पहुँच चुका है, तो इस बिना पर इन दोनों कंट्रीज़ के बीच ये रेस चल रही थी। अब
इसमें जब चंद्रयान 3 का ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा और वहां पर रोवर लैंड करेगा और अपना काम शुरू कर देगा, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये इंडिया फिर बीट कर देगा रशिया को इस एक रेस में जो कि रेस चली हुई थी। अभी भी खैर वो नजर आ रहा है साफ, क्योंकि रशिया जो है इसमें नाकाम हो गया। अब रशिया की नाकामी उसके लिए डबल नाकामी है। किस तरीके से? वो इस तरीके से कि रशिया इस वक्त बहुत ऐसे एक जंजाल में फंसा हुआ है कि जहां पर वो जो यूक्रेन की वॉर है उसके बिना पर उसके ऊपर सैंक्शंस हैं, दुनिया में उसके अगर दोस्त हैं तो दुश्मन इस वक्त ज़्यादा हैं। और रशिया की ये ख्वाहिश थी कि अगर वो उसका ये वाला मिशन कामयाब हो जाता है तो चलें उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी, एक बड़ी खुशी उनकी नेशन के लिए मिल जाती। और वो जो एक होता है दबाव, प्रेशर और ये सब जो दुनिया में उनके लिए चल रहा है, तो उसमें से कुछ देर के लिए वो निकल जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसको ऐसे भी लिया जा सकता है कि रशिया के दुश्मनों के लिए इस वक्त बहुत बड़ी खुशखबरी होगी ये। हालांकि मैं ये समझती हूँ कि ये सबके लिए नाकामी है। किसी एक कंट्री की ऐसे मिशन में नाकामी पूरी दुनिया की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की। इंडिया की ये मुझे पता है, लाइक वो हमसे काफ़ी आगे चले गए हुए हैं स्पेस में भी। मतलब उन्होंने अभी लास्ट टाइम भी कुछ चंद्रयान टाइप उनका कुछ है था, रॉकेट वगैरह तो उन्होंने भी लॉन्च किया। 14 अगस्त पे हमारे यहाँ पे बाजे बजाए जा रहे थे और रशिया वगैरह या जो इंडिया वगैरह वो उस टाइम पे अपने स्पेस में रॉकेट्स वगैरह लॉन्च कर रहे थे। इस चीज़ का अगर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ टेक्नोलॉजी के हवाले से, इंडिया हमारे से टेक्नोलॉजी वाइज, आईटी सेक्टर वाइज और स्पेस की दौड़ में भी वो हमसे बहुत आगे जा चुका है। बात करें इस टाइम वो उसने चंद्रयान 3 तीसरी अटैम्प्ट करने जा रहा है, जो कि वो सक्सेसफुली तौर पर सिर्फ चंद किलोमीटर ही बाकी रह चुके हैं जो कि वो चांद पर लैंड करने वाला है। तो आपको क्या लगता है, क्या वो सॉफ्टली लैंड कर जाएगा? क्योंकि उसी के पीछे अगर हम बात करें 11 अगस्त को लूना 25 जो कि रशिया ने भी अपना सैटेलाइट भेजा है और वो उसकी रफ्तार इंडिया के जो कि चंद्रयान से बहुत तेज़ी से जाते हुए बहुत तेज़ी से वहाँ पर पहुँच चुका है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? यार यही है कि इंडिया हमसे आईटी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया हुआ है, रशिया बल्कि यूरोप यार हमारे पाकिस्तान से हर कंट्री आगे बढ़ गई हुई है। इवन बांग्लादेश, पार्टीशन हमारी मतलब बाद में हुई है उनसे भी, लेकिन बांग्लादेश भी हमसे बहुत आगे मूव कर चुका है। उनकी भी हमारे साथ काफ़ी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में पढ़ रहे हैं, वो वहाँ से आ रहे हैं या हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पर जा रहे हैं। तो वो यही बात होती है कि इंडिया, रशिया, अमेरिका मतलब ये हमसे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। टेक्नोलॉजी में तो हम बहुत पीछे रह चुके हैं हर लिहाज से। हमारे आईटी के जो बच्चे यहाँ पर अब पढ़ रहे हैं वो तकरीबन यूँ कह लें कि हम अमेरिका से 100 साल तो पहले ही पीछे हैं और इंडिया से भी हम तकरीबन यूँ कह लें कि 50 साल पीछे ही ज़्यादा जा रहे हैं। प्रैक्टिकली नहीं है हमारे तो यहाँ पे। अगर स्पेस के बारे में हम अपने किसी साइंटिस्ट जो हमारे स्टूडेंट हैं उनसे बात कर लें तो वो तो उनको तो सिर्फ थ्योरी पढ़ने के अलावा उनको तो पता ही नहीं है कि सैटेलाइट पे प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है, काम कैसे किया जाता है। जो यहाँ पर बच्चे पढ़ने वाले हैं जो एलिजिबल हैं इन चीज़ों के लिए, वो क्या करते हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान में किसी चीज़ का कोई स्कोप नहीं है, तो वो अपना मतलब अब्रॉड में ही कुछ देखते हैं अपना, कि किसी कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई किसी और कंट्री में जा रहा है, उसको पाकिस्तान में अपना कुछ भी फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं और ऊपर से स्टडीज़ वगैरह में एक्सपेंस भी कुछ इतने ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ने कर दी हैं, सेमेस्टर की फीसेज इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी हुई हैं कि जो एक आम शहरी है वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता अपने बच्चों को पढ़ा। एजुकेशन में काफ़ी डिफरेंस भी नज़र आ रहा है, इंडिया की जो एजुकेशन है वो उसको एक बहुत अच्छा लेवल दिया जाता है और पाकिस्तान की एजुकेशन पे बात करें तो कोई उसका इतना स्कोप नहीं है। तो इसके पीछे क्या वजह लगती है कि हमारा कोई नसाब अप टू डेट नहीं है? हमारा तो एक तो ये मतलब अप टू डेट भी नहीं है, दूसरा यहाँ पर पॉलिटिशियन और ये जितना भी मतलब ये आर्मी आहिस्ता आहिस्ता हम लेट ही पहुँचे बट सक्सेसफुली पहुँच जाए, ठीक है। और लेट क्या यार, 23 तारीख हमारी डेट है, 23 तारीख को हम पहुँच जाएंगे उस पर, ठीक है। ऐसा कुछ कहना है इसरो का कि हम सक्सेसफुली 23 तारीख को पहुंच जाएंगे। और जैसे ही लूना अनसक्सेस हुआ पूरे दुनिया में बवाल मच गया कि चाइना का तो डमी था, रशिया का तो डमी था, रशिया का ऐसा था वैसा था, बट कोई बात नहीं यार, रशिया ने भी वेल ट्राई किया, ठीक है। और खास करके अमेरिकन मीडिया ट्रोल कर रही है रशिया को और चंद्रयान 3 को सुपीरियर बता रही है, बट यार चलो छोटी मोटी टेक्निकल फॉल्ट होती रहती है, रशिया यार फेल नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, उन्होंने भी कुछ सीखा होगा जैसे हमने चंद्रयान 2 से सीखा, ठीक है। काफ़ी अच्छी मेहनत लगती है यार इसमें, बहुत मेहनत लगता है, 10-10 साल 5-5 सालों की मेहनत होती है किसी साइंटिस्ट को, उसे फेल नहीं बताया जा सकता यार, उसे कुछ ना कुछ वो कंट्री सीखती है। जैसे हमने चंद्रयान 2 से काफ़ी कुछ सीखा, चंद्रयान 3 में शायद हम सक्सेसफुली अभी 2-3 दिन बाद पहुँच भी जाएंगे 100%, ठीक है। तो वैसा कुछ रशिया के साथ भी हुआ, तो इस पर मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है, बट मैं पाकिस्तानी माइंडसेट आप लोगों के सामने रखना चाहता था कि जो ऑफिशियल मीडिया वो कह रहे थे यार लूना तो ऐसा है, लूना तो सक्सेस हो जाएगा, लूना तो चंद्रयान 3 को बीट कर देगा, यही है इंडिया की पुरानी टेक्नोलॉजी है, रशिया की नई टेक्नोलॉजी, वो जल्दी पहुँच रहे हैं। तो बेटा नई पुरानी वही होती, जो सक्सेस हो जाता है वो नया होता है, जो फेल हो जाता है वो पुराना होता है,
यही होता है। अब जब चंद्रयान 3 सक्सेस होगा तो पूरी दुनिया कहेगी भाई इससे पहले तो ऐसा घटना हुआ ही नहीं साउथ पोल पे पहुंचने वाला, तो फिर नया ही है। ठीक है, खुद कुछ नहीं कर पाते, या फवाद चौधरी, इसका नाम मैं ले ही लेता हूँ आज, या फवाद चौधरी बड़ा उछलता है आजकल, पता नहीं कहाँ कंबल से मुंह ढक के, पता नहीं है अभी जिंदा या खत्म हो गया चंद्रयान 3 लॉन्च होते। लगता है चंद्रयान 3 के लॉन्च होने से के साथ इसका भी लॉन्च हो गया कुछ। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, जुड़े रहे भाई ऐसे वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।